नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो? अच्छे हो बच्चों? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, ऐसी बातें कभी ना भूलो। ये कविता है बच्चों कि जो अच्छी बातें हैं उनको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए बच्चों, है ना। तो इस चैप्टर के माध्यम से महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं बच्चों। और आपने इसे प्रीवियस वीडियो है चैप्टर 1 से लेके 4 चैप्टर तक के जितने भी वीडियो हैं, व्याख्या प्लस क्वेश्चन आंसर के वीडियो हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें बच्चों। और बच्चों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आपको जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें बच्चों, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बच्चों, तो जिससे आगे आपको जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बापू कहते देखो भाई, बापू कहते हैं देखो भाई, करते नहीं कभी लड़ाई और हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। प्रेम प्यार से ऐसे रहते जैसे फूल और फूल, यानी कि बच्चों जिस तरीके से प्रेम और प्यार से हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे एक ही पेड़ पे फूल रहते हैं और कांटे रहते हैं बच्चों, इस तरीका से हमें एक ही जगह बहुत अच्छे तरीका से प्यार से रहना चाहिए बच्चों, है ना। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही रहना है आपको। ऐसी बातें कभी ना भूल, और ऐसी बातों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए जो महात्मा गांधी जी जो हमें समझा रहे हैं, ऐसी बातों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। गीता का संदेश यह कहता, और गीता जो भागवत गीता है हमारी उसका संदेश क्या कहता है, जैसा करता वैसा भरता और जैसा हम करते हैं हमको वैसा ही मिलता है बच्चों। सत्य अहिंसा में ही देखो छिपा हुआ सब कुछ मूल, और जो सत्य अहिंसा है बच्चों उसमें सब कुछ का मूल छिपा हुआ है बच्चों, तो हमें वो काम करने हैं जिसमें हमें अच्छा लगता है। सत्य अहिंसा में ही देखो छिपा हुआ सब मूल, और सत्य बोलना चाहिए बच्चों हमें और अहिंसा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसी में पूरे संसार का मूल है, मंत्र है, वो सब कुछ इसी में छिपे हुए हैं बच्चों। तो ऐसी बातें कभी ना भूलो और ऐसी बातों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए बच्चों। कर्म करे जा ईश्वर का ध्यान कर, यानी कि ईश्वर का ध्यान करके कर्म करते जाओ, यानी कि ईश्वर का ध्यान करते जाओ, भक्ति करते जाओ और अपने कर्मों को करते जाओ। सच्चाई से प्रीत लगाकर, और सच्चाई मन सच्चे मन से प्रेम के, यानी सच्चा मन लगाकर हम लोगों को क्या करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करते हुए हमें अपने कर्मों को करता रहना चाहिए। बैर भाव और चिंता का पथ छोड़ प्यार का झूला झूल, और जो बैर है यानी दुश्मनी का भाव है हमारे, चिंता का भाव है, उसको पथ को यानी जो रास्ता है उसको छोड़ देना चाहिए हमें। किसी के प्रति चिंता करना है, किसी के प्रति गलत भावना रखनी है, दुश्मनी का भाव रखना है बच्चों, इसको त्याग करते हुए यानी कि इस रास्ते को छोड़ते हुए हमें प्यार का झूला झूलना है बच्चों। हमें प्यार का जो झूला है उसको हमें झूलना है, यानी प्यार के रास्ते पे हमें चलना है। ऐसी बातें कभी ना भूलो, और बच्चों हमें ऐसी बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर की जो कविता थी इसकी व्याख्या हमने आपको करा दी है बच्चों, और अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आंसरों पर आ जाते हैं बच्चों, है ना। देखो बापू क्या कहते हैं बच्चों, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर बापू क्या कहते हैं। तो बापू क्या कहते हैं बच्चों कि कभी ना लड़ाई करो, है ना। कभी बापू परस्पर प्रेम और प्यार से रहने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए बच्चों। तो आपस में हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए बच्चों। फूल और कांटा किस प्रकार के रहते बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है फूल और कांटा किस प्रकार रहते हैं। तो बच्चों आप जानते हो फूल और कांटे किस तरीके से रहते हैं ना। वेरी गुड बच्चों, फूल और कांटा परस्पर प्रेम और प्यार से रहते हैं। वेरी गुड बच्चों, है ना। गीता के संदेश में क्या शिक्षा मिलती है, गीता के संदेश से शिक्षा मिलती है जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरता है बच्चों, जो जैसा करता है उस वो वैसा ही भरता है बच्चों, ये उससे शिक्षा मिलती है हमें, है ना। हमें किस प्रकार का पथ छोड़ देना चाहिए बच्चों, है ना। तो बैर भाव और चिंता का पथ छोड़ देना चाहिए बच्चों। बैर भाव करना यानी दुश्मनी करना, और चिंता करने का भाव है उसको पथ है, वो रास्ता है, वो हमें छोड़ देना चाहिए बच्चों। तो बच्चों ये जो खाली पंक्तियां हैं इनको हमें किताब में से पूरा करना है। कर्म करे जा ईश्वर को ध्या कर, है ना बच्चों, इसका पूरा भावार्थ होगा सच्चाई के प्रति प्रीत लगाकर, यानी कि बच्चों कर्म करे जा ईश्वर को ध्या कर, सच्चाई के प्रति प्रीत लगाकर, सच्चाई से प्रीत लगाकर, है ना। बैर भाव और चिंता का पथ
छोड़ प्यार का झूला झूल कभी ना भूल, है ना। और ऐसी बातें कभी ना भूल बच्चों, इस तरीका से बच्चों ये खाली जगह थी, इनको भर लेना है हमें। अब हमें आना है खाली जगह पर, राइट रॉन्ग पे है बच्चों, ये टिक द करेक्ट लगाने हैं इनको, यानी कि सही और गलत का निशान लगाना है बच्चों। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, राइट और रॉन्ग बच्चों, हाँ राइट है, हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फूल और कांटा कभी साथ नहीं रह सकते हैं, गलत बच्चों, साथ में ही रहते हैं। जो जैसा करता है वह वैसा ही बरता है बच्चों, राइट बच्चों, जो जैसा करता है उसको वैसा ही बरता है। ईश्वर का स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए बच्चों, तो ईश्वर का स्मरण करते हुए हमें हमेशा कर्म करने चाहिए, राइट बात है बच्चों। जीवन को बैर भाव में जीना चाहिए, नहीं बच्चों, बैर भाव में नहीं, प्रेम भाव से जीना चाहिए बच्चों। और बच्चों ये हमारे खाली जगह वाले जो सही और गलत थे वो हमने कर दिए बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं टिक द करेक्ट वालों पे, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा, यह कहा है, किसने कहा है, बापू ने कहा है, गीता ने कहा है, कबीर ने कहा है बच्चों, तो जो भगवद गीता बुक है हमारी उसमें कहा गया है ऐसा, है ना, वेरी गुड बच्चों। प्रेम प्यार से इस प्रकार रहना चाहिए, जैसे प्रेम प्यार से हमें किस प्रकार से रहना चाहिए बच्चों, हैं, वेरी गुड बच्चों, फूल और कांटे की तरह हमें रहना चाहिए बच्चों। क्या रहना चाहिए, फूल और कांटे की तरह हमें रहना चाहिए बच्चों, हैं। जीवन में सदैव अपनाना चाहिए हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, असत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए बच्चों, हाँ सत्य का, वेरी गुड बच्चों, सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। अच्छी बातों को सदैव क्या करना चाहिए, अच्छी बातों को सदैव हमें सीखना चाहिए, छोड़ना चाहिए, भूलना चाहिए, हैं, सीखना चाहिए, वेरी गुड बच्चों, सीखना चाहिए हमें, अच्छी बातों को हमें सदैव भी सीखना चाहिए। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर था 5 नंबर का बच्चों, हमने आपको करा दिया, इसकी व्याख्या भी करा दी, इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए बच्चों। इस सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 5 था बच्चों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट YouTube चैनल पर जाके उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है बच्चों, बेल आइकन करवा दबाना है। और बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं चैप्टर 1 से लेके 4 तक, उनको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। और इस लॉकडाउन में घर पर रहें बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें बच्चों। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।